तो दोस्तों यहाँ पर Realme की तरफ से एक और नया स्मार्टफोन निकल कर आ चुका है जिसका नाम है Realme 5S। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं यही बात बताने वाला हूँ कि इस मोबाइल में, इस डिवाइस में आपको क्या कुछ फीचर्स, एक्स्ट्रा फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे और इस डिवाइस के क्या क्या प्राइस होने वाले हैं। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं योर व्यू। तो दोस्तों Realme की तरफ से जो Realme का नया स्मार्टफोन आया है Realme 5S, तो उसमें आपको तीन कलर वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएंगे। जो है, जो पहला कलर वेरिएंट है वो है क्रिस्टल पर्पल, और जो सेकंड है वो है क्रिस्टल रेड, और जो थर्ड है वो क्रिस्टल ब्लू। तो इन तीन कलर में वेरिएंट में आपको ये डिवाइस देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी डिस्प्ले की। तो इसका जो डिस्प्ले है वो है 6.5 इंचेस का HD प्लस डिस्प्ले आपको इसमें देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद बात कर लेते हैं इसके प्रोसेसर की। तो इसका जो प्रोसेसर है इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 665 का चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा। और उसके बाद आता है दोस्तों स्टोरेज वेरिएंट की बात। तो स्टोरेज वेरिएंट में आप सभी को दो स्टोरेज वेरिएंट देखने के लिए मिलेगा। जो पहला स्टोरेज वेरिएंट है वो है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, और जो दूसरा स्टोरेज वेरिएंट है वो है आपको 4GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। तो और उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी, इस फोन की कैमरा क्वालिटी की। तो कैमरा क्वालिटी जो है वो जो फ्रंट कैमरा है उसमें आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने के लिए मिलेगा, और बैक में रियर कैमरा में आपको क्वाड कैमरा देखने के लिए मिलेगा जिसमें मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल का रहेगा और उसके साथ 8 मेगापिक्सल का कैमरा उसके साथ, और प्लस 2 मेगापिक्सल के दो कैमरा रहेंगे, यानी कि 2 मेगापिक्सल का दो कैमरा। तो बैटरी कैपेसिटी है ये 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी है। मगर हाँ दोस्तों इसमें एक इशू है जो मुझे भी अच्छा नहीं लगा और आप सभी को भी अच्छा नहीं लगेगा। 5000 mAh बैटरी के साथ इसमें रियलमी वालों ने फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं दिया है। मतलब फास्ट चार्जिंग चार्जर इसमें आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मल चार्जर ही इसमें आपको मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप, ये बैटरी तो बहुत बड़ा है, आराम से 2 दिन चल जाएगा नॉर्मल यूसेज वालों के लिए। अगर आप गेम खेलेंगे तो वही एक दिन या उससे 1-2 घंटा ज़्यादा चल जाएगा। तो सिर्फ इसमें एक ही प्रॉब्लम था, जो इसका जो फास्ट चार्जिंग है सिर्फ वही नहीं दिया हुआ है। बात कर लेते हैं प्राइस वेरियंट की। तो इसका जो पहला जो वेरिएंट है वो है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ, इसका जो प्राइस रेंज है वो है 10,000 रुपये। और जो दूसरा स्टोरेज वेरिएंट है 4GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, वो आता है आपको 11,000 रुपये में। तो इस प्राइस रेंज में ये फ़ोन आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं और आराम से आप इसमें पबजी जितना सारा हाईफाई गेम है आराम से इसमें रन करेगा। तो आप ये फ़ोन ले सकते हैं, वो इस प्राइस रेंज में ये फ़ोन बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल में नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल कर दें ताकि मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियो देख सके सबसे पहले।